रहमान रहीम माई डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फिट एट होम। डियर स्टूडेंट, आज जो हम वर्किंग करेंगे वो है वर्कबुक का पेज नंबर 18। बुक रीडिंग है पेज नंबर 53। राइट सेंटेंसेस अबाउट पिक्चर बाय यूजिंग दैट एंड दोज। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न दैट और दोज। दैट और दोज का प्रीवियस लेक्चर में हम इस्तेमाल सीख चुके हैं कि दैट जो है वो एक चीज़ के लिए यूज़ होता है और दोज जो है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दैट जो है उसका मतलब भी वो होता है और दोज का मतलब भी वो होता है। अब आपने माइंड में ये बात अपने बिठा लेनी है स्टूडेंट के दैट जो है वो सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होता है और दोज जो है एक से ज़्यादा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। अब फर्स्ट आपने पिक को देखना है, कीज़ कितनी है? टू है। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? दोज आर कीज, THOSE, दोज। अब एक सेंटेंस, एक स्टूडेंट इसमें और चीज़ का ऐड हम कर रहे हैं, इज़ एंड आर का यूज़ होगा। इज़ आपको पता है सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होता है और आर जो है वो प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब ये प्लूरल चीज़ें हैं ना, कीज़ हैं, ये टू हैं, तो क्या होगा? दोज आर कीज। स्मॉल लेटर के लिखना है, के ई वाई एस, कीज। फुल स्टॉप लगाया सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद। अब आपने ये पिक को देखना है, ये बॉल्स हैं। कितने हैं ये? 1, 2 and 3। तो इसके साथ क्या आएगा? दोज आर, ये ज़्यादा है ना, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा? दोज आर आर बॉल्स, बी ए डबल एल एस। ये प्लूरल्स हैं तो इसके साथ एस का भी यूज़ होगा। देखें, दैट एंड दोज का यूज़ होना है, इज़ आर का यूज़ होना है और लास्ट में एस का, प्लूरल का हमने यूज़ करना है। तो आपको पता है जब प्लूरल थिंग्स होती हैं तो उसके साथ हम एस का यूज़ करते हैं। अब आपने इस वाले पिक को देखना है, इसमें बॉल है वो एक है, तो क्या आएगा? दैट इज़ अ बॉल, दैट इज आ बॉल, क्योंकि ये एक है तो इसके साथ ए का भी यूज होगा, दैट इज अ बॉल। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद यहां पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब नेक्स्ट पिक है पेन। पेन भी सिंगल है, एक है ना, तो इसके साथ भी क्या आएगा? दैट इज अ पेन, दैट इज a pen, P-E-N, pen। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। अब नेक्स्ट है ट्री। ट्री भी वन है तो इसके साथ क्या आएगा? दैट इज अ ट्री, दैट इज a ट्री, टी आर डबल ई ट्री। अब लास्ट हमारी पिक है जो एलिफेंट। अब स्टूडेंट इसके साथ ए का यूज नहीं करेंगे हम, आपको पता है ई का जो फर्स्ट लेटर है वो वाउल है, तो हम इसके साथ यूज करेंगे एन। वेरी गुड, दैट सिंगल है तो इसलिए इसके साथ दैट यूज होगा, दैट इज एन एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। लास्ट में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप राइट लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आज की आपकी वर्किंग। आपने बहुत केयरफुली अपना काम करना है स्टूडेंट। इसमें 2-3 चीज़ों का यूज हुआ है, इज आर ए और एन। एन क्यों लगा? क्योंकि ई इसका वाउस था और डैट एंड दोज का यूज़ हुआ। अपना काम बहुत केयरफुली करना है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।